हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मम्मी और रिजा रेहान को लेके जा रहे हैं कानपुर घुमाने के लिए। ये रेहान के बचपन की चीज, ये मेरे बचपन की चीज, नटखट। अम्मी जब बहुत छोटी थी तब कानपुर गई थी, तब से अब कभी कानपुर नहीं गई है, तो हमने कहा लेके चलते हैं। तो बस रास्ते में चाय पानी ब्रेक के लिए हम लोग रुके थे और फिर निकल गए आगे। सिंघाड़े लेने के लिए रुके भैया, अम्मी होगा सिंघाड़े नहीं मिले, इतना अधूरा अधूरा लग रहा है। दिखा के देखो ये वाला। क्या नाम है इसका? शक्कर चीनी। ये बहुत मीठा, मिलो। ये कहाँ से ले आए? खाओ इसको ही खाओ। अब मूली कोई नहीं खाएगा, मूली मत खाओ। रास्ते पर हम लोग सिंघाड़े छील छील के खाते जाएंगे। ये लड़की नहीं खाती है। बेगमगंज आ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल। ये अम्मी लोगों को स्पेशली कानपुर दिखाना था, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गए। तो मेरा दोस्त जा रहा है सऊदी, तो अब हम लोग आ गए हैं वेस्ट साइड में। यहाँ से लेंगे अफरोज और मुजम्मिल के लिए कपड़े। दिखाओ सारू, आएगा बेटा, आएगा पक्का आएगा। ये कहाँ से लाए? फूड कोर्ट आ गया, उसने बड़ा क्यूट सा सरप्राइज दिया। फिर हम कुछ लोगों से मिले और उसके बाद हम सब ने कॉफ़ी पी और थोड़ा बहुत कुछ खाया। कॉफ़ी बहुत ही अच्छी थी यहाँ की। और हम फिर उसके बाद कुछ अपने चाहने वालों से मिले। हम जेड स्क्वायर मॉल से निकल रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना चाहिए, अम्मी को क्या देखना चाहिए कानपुर में? नवीन मार्केट। इसका नाम अम्मी परेड मार्केट। परेड मार्केट। अभी हम लोग आ गए नवीन मार्केट। ये है यहाँ का नवीन मार्केट रिजर्व। यहाँ पे भी सब कुछ मिलता है, न्यू मार्केट में मिलता है ना ऐसे। सबको देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरे यहाँ पे कानपुर श्रेया है, ज्योति, माय सिस्टर इन लॉ, इनकी मैरिज है नवंबर में, तो अभी हम लोग विजिट के लिए निकल रहे हैं। थैंक यू बेटा। अभी अम्मी आ गई यहाँ पे भाभी के लिए सूट लेने के। ये तो क्लासी चीज है। लाइए इसके ऊपर। किसकी शादी में पहन के जाऊंगा? तो बर्थडे है। कुछ भी बर्थडे। ये सनी भाई की तरफ से बर्थडे गिफ्ट हो गया। अच्छा। तो ये सारी शॉपिंग समझे समझे है यस। समझे सूट 2.0। जब भी हम कानपुर आते हैं बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, और हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यार मिला। अम्मी अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आप सच में लाइव में बहुत अच्छी हो। क्यों है? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मेरी बेबी है, सबको खुश रखे। हम आप लेके मौता, लेकिन नहीं आ रहा था। सबसे मिल लिया यहाँ पे नवीन मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भीड़ थी और बहुत लोगों ने मोहब्बत दी। चलते हैं सीधा पहले खाना खाएंगे। मैं बॉम्बे से हूँ। कांग्रेचुलेशंस, आई वांट ऑल योर लव। और साहब जाने के बाद तो मतलब सब मिल रहे, मोहब्बत करे। आप अपनी शकरकंद में ही लगी हुई हो। हम नहीं खाते। 30 रुपए की एक प्लेट। चालीस की मिले, सोचो मुंबई में इतना 500 का मिलता है। मैं कानपुर की बिरयानी खा ली, अब कानपुर की लस्सी पी लो, मूलगंज की लस्सी। ट्रैफिक में फंसे ड्राइवर भैया। भैया 10 पे गियर लगा के बढ़ा दो। आ चुके फ्रेंड्स, और आज इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला, इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला। स्पेशली रिजा तो बोली अब मैं कभी कानपुर नहीं जाऊंगी। और आज हम जो जो चीजें ली है वही चल हम आपको कल दिखाएंगे। आज बहुत ज्यादा थक गए थे फ्रेंड्स, भूख भी बहुत तेज लग रही है, तो डिनर करते हैं। अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, कबाब मामू ने भेजे। नेक्स्ट डे वी आर बिग फैंस ऑफ सबल ड्राइंग फुल फैमिली। थैंक यू सो मच एवरीवन। आगरा का पेठा मैं खाऊंगी ना। खा लीजिए। आज बड़ी क्यूट से बन के गई थी महर। हमारे स्कूल में चिल्ड्रन डे था, उस दिन छुट्टी थी, तो आज सेलिब्रेट किया था। क्या किया? कुछ नहीं किया। पहले बोला 7 पीरियड में करेंगे, उसके बाद किया ही नहीं। बताओ बेचारी, इतना रात से इंतजार कर रही थी।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जुमा मुबारक, नमाज हो चुकी है, अभी सारे काम हो चुके हैं फ्रेंड्स घर के और अब चल रहे हैं बाहर। तो थोड़ा सा रेडी होती हूँ क्योंकि आज रिश्तेदारों के घर भी जाना है। क्रीम मैं लगा चुकी हूँ, ब्लश लगा लिया और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। अभी मैं लगा रही हूँ कार्नेशन न्यूड, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है और फ्रेंड्स ये 12 लॉन्ग आवर्स तक स्टे करती है। स्मच प्रूफ है, आप कहीं भी जाओ कुछ भी खाओ ये निकलेगी नहीं। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी जैसे कि विटामिन ई और एवोकाडो, तो हमारे लिप्स का मॉइस्चर भी बनाए रखेगी और ये मेड सेफ सर्टिफाइड भी है। सबसे अच्छी बात है मामा अर्थ ने इसमें 17 डिफरेंट शेड्स निकाले इंडियन स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए। आपको बोल्ड लुक चाहिए, सॉफ्ट लुक चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, पार्टी के लिए चाहिए या फिर फेस्टिवल के लिए या फिर शादी के लिए, आपके हर मूड के हिसाब से, आपके हर लुक के हिसाब से इसमें आपको शेड्स मिल जाएंगे। सोच रही हूँ फ्रेंड्स आज लुक को कम्प्लीट करने के लिए काजल भी लगा लेती हूँ, तो मैं लगाऊंगी मामा अर्थ का चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल। लुक मेरा कम्प्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आपको ये बताना था कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट के साथ साथ उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपका ऑर्डर वो एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। 2025 तक मामा अर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहे हैं। और एक गुड न्यूज फ्रेंड्स, मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है। आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मामा अर्थ की वेबसाइट या उनकी ऐप पर जाकर ले सकते हैं या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट नायका से ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर लेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि सबा 2023, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो खाना खा लो, लंच टाइम हो गया है फ्रेंड्स, मोदा का आखिरी लंच इस बार का। कोई बेटे का राट से मिलने आए थे तो वो लेके आए हैं, बोलने लगे आपको सिंघाड़े पसंद, सिंघाड़े लाए हैं और लेके आए अमरूद और ये राट के फेमस लड्डू, बहुत अच्छे लड्डू हैं। हाँ वही है, तो आपको उबले सिंघाड़े पसंद है, चटनी हो, चटनी होना चाहिए। हाँ दिल से शुक्रिया, आप अमरूद लेके आए, मीठी मीठी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैं खाऊंगी अमरूद और घर वाले आपको सिंघाड़े खा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं दादी से मिलने क्योंकि हम लोगों को कल जाना है, तो सोचा इसलिए लास्ट टाइम उनसे मिलने। मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स अपने घर, तो घर में हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे, हमारे रिलेटिव्स भी हैं, ये लोग फ्रेंड्स भिलाई से हैं, पापा की तरफ से रिश्तेदार हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मतलब मेरी फ्रेंड की फैमिली है, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे पापा के कुछ रिश्तेदार आ गए थे पापा के ननिहाल से, तो उनसे मिल लिया सभा को, वहाँ से उसकी खाला के यहाँ से लेके आ गया था। अभी सभा जा रही है अपनी फुप्पी के यहाँ मिलने क्योंकि कल हमको निकलना है मुंबई के लिए। चले आ जाओ अम्मी, चलो सब लोग आ गए फुप्पी के घर। बेटा आपकी कौन है, बुआ आ गई ना, आपकी बुआ आ गई, ये बहुत बुआ बुआ कर रहे थे। अच्छा 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 भैया, हम थोड़ी देर यहाँ पुप्पी के यहाँ बैठेंगे, चाय बन रही है, चाय पी के जाना पड़ेगी। चलो पुप्पी अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अब सुबह तो मुलाकात नहीं होगी, जल्दी जाना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अरे आपका बर्थडे निकल गया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, हमें पता नहीं। ये आपकी अमानत, आप गए नहीं थे तब तो पी के घर, तो रहने का ये सनी का हिस्सा, कुछ महक तो रहा अच्छा, खाने की चीजें अभी खाता हूँ मैं। फ्रेंड्स आज का अपडेट ये है कि हमें कल मुंबई के लिए निकलना है, हमारे टिकट्स नहीं हो पाए हैं लेकिन हम लोग बाय रोड जाएंगे भोपाल तक, उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का टिकट मिल रहा है वहाँ पे मुंबई के लिए, तो बस हमें सब पैकिंग वैकिंग करनी है, बहुत सारा सामान उधर है, बहुत सारा सामान इधर है, तो चलिए फिर मैं आती हूँ। सूटकेस लेके आई है वहाँ से, क्या करके जा रही हो, गंदा ना हो, वाह भाई मोहब्बत देखिए इसको, संभाल के बेटी खाला जा रही है। दो दिन से पता है तुमने सोफे में भी कवर डाल दिए हैं और जितने मेहमान मिलने आए बेचारों ने, जिस जिसने फोटो खींची है उनकी सब फोटो अजीब आई होंगी। जिस दिन मशीन लगाए थे अम्मी कह रही थी इनको धुल दो, ये हाँ। 16 को जाना है हाँ। तो वो 18 हो गई, 17 हो गई, तो हमने कहा पड़े रहे हम, तो वो हटा देती चादर इससे। अम्मी इस टाइम को सिंघाड़े खाने का टाइम है, अच्छा ये कह रहे थे सनी कि तुम भले ही हम तुम्हें लौटते वक्त सूटकेस दिला देंगे, अभी अगर छोटा सामान है तो छोटा ही बैग लेके चलो, ठीक है ना, चलो अल्लाह हाफिज़। इस पन्नी में क्या लेके आई हो, कपड़े हैं जो लास्ट क्लास में टेलर के हमें सिल के आए थे आते वक्त, हाँ। जो उसके दुपट्टे मुंबई में रह गए थे पहन नहीं पाए, और ये हमसे पटना से कोई मिलने आए थे बहुत दूर से, हाँ। तो वो लेके आए थे। तो फ्रेंड अभी हो रहा है रात के 12:30 और हमें सुबह निकलना है जल्दी क्योंकि हमें जब कल जाना है भोपाल, फिर भोपाल से हमारी ट्रेन है मुंबई की, तो एक घंटा बीवी की बकवास सुनने के बाद अब हम काम पे लगे हुए हैं।
से काम पे लग गई है सभा और मैं उसकी हेल्प करवा रहा हूँ। मतलब मैं हेल्प क्या करवा रहा हूँ, मैं खाली यहाँ आराम से बैठा हूँ और सभा कर रही है पैकिंग, क्योंकि सुबह के लिए आसानी हो जाएगी अगर अभी पैकिंग कर लेंगे। और मौत आके बहुत फ्री हो जाता हूँ, मैं व्लॉग बनाता नहीं हूँ, वैसे ही मैं व्लॉग नहीं बनाता, लेकिन हाँ कभी कभार मैं कैमरा उठा लेता हूँ। लेकिन मौत आके तो भाई आराम से बंदा घूमता है, कोई टेंशन नहीं, सारी टेंशन इसकी। क्यों? अरे सुनो तो, अब गुस्सा खत्म करो, अब हो गया भाई, अरे खत्म करो गुस्सा। अब कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, अब मैं बनवाऊंगा तुम्हारा ब्लॉग भाई, खत्म करो। सॉरी ना यार, कल भी आपने पिछले ब्लॉग में भी यही किया था। क्या सॉरी? वहाँ पे हो रही है हमारी पैकिंग, आधा सामान पैक होगी, आधा उधर ऐसे उछला हुआ पड़ा है। कब तक हो जाएगी पैकिंग? इतने सारे कपड़े शादियों के लेके आई थी, किसी के शादी में ही नहीं गए। शादियों में तो नहीं गई ये बात, किसी ने बुलाया नहीं हमें, किसी ने बुलाया नहीं हमें। तीन शादियों में बुलाया था, लेकिन तीनों में आप नहीं लेके गए। और मुझे सिर्फ इस बात की रहती है कि जब मैं पैकिंग कर रही होती है तो आप मुझसे वही बोल दिया करिए कि शादी में शायद तुम्हें लेके जाऊं, तुम हैवी कपड़े मत लेके चलो। जब मैं इतने ज्यादा शाइन वाले कपड़े लेके आती हूँ, फिर वापस जाते हैं तो लगता है ना भाई। अगर जो जो मेरी मतलब जिसने जिसने ये बात सुनी हो, मैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी की यहाँ भी शादी अगर हो तो प्लीज कार्ड दे दिया करो मुझे, और उसमें नाम लिख दो सबा इब्राहिम, ठीक है भाई? हाँ सच बता, नहीं नहीं, लेकिन एक बात सुनो, आप अपने फ्रेंड के घर भी नहीं लेके गए। किसी के यहाँ शादी हो बता देना, और ये व्लॉग में कटानी चाहिए बता रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड, जैसा आपको पता है हम कल कानपुर गए थे, तो वहाँ से हमने सबने अपने अपने लिए कुछ कुछ चीजें खरीदी, घर वालों के लिए भी खरीदी, और सबा ने मेरे लिए एक शर्ट खरीदी, वो भी बिना बताए। शर्ट मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, फ्री मिली है ना? नहीं, फ्री भी नहीं मिली है। हम लोग गए एक जगह पे, वहाँ से अम्मी ने रुहान के लिए कपड़े लिए, वहाँ से रेहान ने भी अपने लिए कुछ लिया, वहाँ से हमने अफरोज के लिए एक चीज ली, इतना बिल जितना हुआ। उसके बाद बिलिंग हो रही थी, वो आए कह रहे मैम एक चीज और ले लो, एक चीज और ले लो, तो हमने कहा नहीं नहीं हमें लेट हो रहा है, बस हो गया अब नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, अगर आप एक चीज और ले लेंगे तो आपको ये ट्रॉली बैग फ्री मिल जाएगा। अब आप लोग इसका इंसाफ करो, खैर कोई बात नहीं, तुमने ले लिया मेरे लिए, वहाँ पे देखो मेरे लिए भी ले सकते थे, रेहान के लिए भी ले सकते। लेकिन मैं तुमसे मेरा बताया मिली, मैंने पैंट ले लिया था, ये वाला तुम टेंशन मत लो, तुम ये ठीक अच्छा किया। देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज की फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है। कानपुर में एक मुस्कान करके शॉप थी, वहाँ से अम्मी गई थी भाभी के लिए सूट लेने के लिए और सबके लिए, अम्मी ने ये अम्मा के लिए लिया, सनी को ये कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है। चप्पल जूते की शॉप गए थे सलूजा, ये बहुत अच्छे लगे। अगर मुझे एनिवर्सरी ये देख, तो मैं यही पहनती ना, यही तुमको बोलने वाली थी ना, हाँ एनिवर्सरी के टाइम मिलते तो यही पहनती। अब कभी भी किसी की भी शादी होगी जहाँ पे मुझे हैवी कपड़े पहनने होंगे तो फिर मैं ये पहनूंगी। और भाई प्लीज यार, शादियों में बुला लिया करो यार, क्यों नहीं बुलाते यार? प्लीज ऐसे मत करो, सबको लगेगा कि और... पहन के देखो भाई, कल तो पहन के देखा था यार, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, से हाइट भी मिल रही है, कंफर्टेबल भी है और चमचम भी है। सैंडल मेरे चमचम कर दे, जल्दी करो फटाफट। तो जो पटना से हमारे आए थे इनको सॉरी, इनसे आपको गिफ्ट अनबॉक्स नहीं करा है, तो ये तो वो हमारे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लाए थे। और उनकी मम्मी ना अचार बनाती है, ये मोहल्ले की सारी वुमेन्स मिलके बिजनेस चलाती है ऐसे, घर पे कोई कोई चीज बनाना, अचार पापड़ ये सारी चीजें। तो चटपटा स्टोर के नाम से उनका इंस्टाग्राम पेज है, पास से देख लीजिए चटपटा स्टोर को। तो मैं सबसे पहले सनी वाला ओपन करती हूँ। सनी, अब ये पहनने के लिए फिर से कोई फंक्शन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अभी तुम्हारा बर्थडे है ना। हाँ बहुत शानदार, अच्छा कलर है। ये है अब मेरा, तो देखिए मेरी गाड़ी बहुत तगड़ी आई भाई, और मेरा मुंह तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा है। वो बोल रही थी कि क्या बोलते हैं, हमें लास्ट मोमेंट में जल्दी थी, आपको पता है वो हमसे मिलने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे जब हमने मीटअप डाला था। क्या बात कर रही हो, पटना से हैदराबाद पहुंचे, नहीं मिल पाए, फिर वो वहाँ से पटना से यहाँ आए कानपुर से ढूंढते, उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्होंने सिर्फ ब्लॉग देखते देखते सारी चीजें ढूंढी है। और जब वो मिली ना, वो इतना रो रही थी फ्रेंड्स, इतना रो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये हो गया कुर्ता, ये हो गया पैंट्स, ये है ब्यूटीफुल सा दुपट्टा, नाइस नाइस। और इसमें क्या है, ये तुम्हारी नाक पोछने के लिए है, सही बता रहा हूँ। ये है मैचिंग के कंगन, बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स, आप पास से देखिए कितने खूबसूरत है। पैकिंग जो है फ्रेंड्स वो हो चुकी है, सुबह सुबह लास्ट लास्ट की जो होती है वो बची है। तो सुबह मेकअप किया था, काजल लगाया था, उसे निकाल के फेस वॉश करके फिर सोऊंगी। जितना काजल निकलता था निकाल लिया, लिपस्टिक भी निकाल लिए, और अब फेस वॉश करती। आज थकान इतनी हो गई थी, आलस तो इतना आ रहा था कि ना फेस वॉश करूं ना मेकअप निकालूं, सब कुछ हो चुका है डन फ्रेंड्स। अब अल्लाह का नाम लेके सोते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं सुबह। The next day. तो फ्रेंड मेरी हो गई सुबह और हमारे टिकट नहीं हो पाए, इसलिए आज हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, शाम तक निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है। और इन कपड़े हमने निकाले हैं देने वाले, तो मम्मा को देखते हैं। पनीर क्यों नहीं खा रही हो? इंसान कैसी आदत होती है, फ्री को मिलता है तो इंसान खाए चला जाता है, हमारी आदत नहीं है। ऐसी आदत नहीं है, जितना मन होता है उतना ही खाती है।
चलो खा लो, सेट बना दिया। तो फ्रेंड्स बस हम लोग निकलने लगे हैं मुंबई के लिए, मतलब अभी झांसी के लिए। भोपाल वाले टिकट नहीं हो पाए, कैंसिल हो गए, तो अभी हम लोग झांसी से ही निकल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस अभी हो रहा है 5 और निकलते हैं क्योंकि लेट भी हो रहे हैं। फटाफट जल्दी जल्दी निकलते हैं, चलो अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे, बोलना जल्दी। झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स और अब चलते हैं अंदर। झांसी स्टेशन आया तो ऐसे रियलाइज हुआ कि अभी की बात है कि हम लोग सुबह सुबह यहाँ पहुंचे थे, नाजा खाला थी, सारा थी, इतने भरे भरे पूरे लोग थे इतने सारे। अब वो लोग नहीं है, बस ये लोग साथ में आ गए, अम्मा आ गई है। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन सच में मतलब टाइम इतनी जल्दी भाग रहा है कि पता ही नहीं चलता। सही हैप्पी यहाँ पर वो ट्रेन जा चुकी क्योंकि हमें सीट बिल्कुल नहीं कन्फर्म हुई। हम 8 लोग हैं, हमें एक सीट मिल रही थी, इतना सारा हमारा सामान है, पॉसिबल नहीं होता, अब तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अम्मा एस्केलेटर से आई। अम्मा वाली सीढ़ी से कैसा लगा? फ्रेंड्स यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा सच में हो गया है कि हम वापस आ गए हैं। वैसे पहले हम आए और फिर हम वापस जा रहे हैं। डाउट था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन उम्मीद थी कि शायद, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी होती है। अब आगे क्या डिसीजन लेना है वो नहीं समझ आ रहा। चलो भैया को देख दिया ना उनको अच्छे से ट्रेन। चलो तो हम लोग ट्रेन से उतर गए क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, हमारी सीटें कंफर्म नहीं हुई और हम लोग वापस जा रहे हैं मोहदा, और यहाँ सब लोग खा रहे हैं खाना। वोटिंग चल रही है फ्रेंड्स भाई के लिए। हम सब ने खाना खा लिया, अब चलते हैं घर के लिए। चले ये है सबा का जहाँ यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर्स भी बढ़वा रहे भाई लोग का, ले लो। आपका नाम भाई क्या है? आपका भाई? चलो बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। चलो अब निकलते हैं, अब तो ठंड भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी। बैक टू होम। फ्रेंड्स मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है जिन जिन लोगों से मिल रही हूँ ना वापस आके, और सोच के तो बहुत हंसी आ रही है कि हम लोग वापस आ चुके हैं। अम्मा से मिल के इतनी हंसी आ रही थी, अम्मा लोग जब जा रहे थे सैड हो रही थी, रो रही थी, और फिर अब लौटे तो फिर हंसने लगे। लेकिन चलो अल्लाह की मर्जी होती है, जो भी होता है अच्छा होता है। अब देखते हैं हमारा कब का टिकट होता है। फ्रेंड अभी हुई है हमारी सुबह क्योंकि रात में आते थे, हमको बच गया था यहाँ पे 3:30, तो सो के उठे अभी और चलते हैं नीचे नाश्ता करते हैं। रात के लेकिन अंधेरे, मतलब ट्रेन में सामान चढ़ा लिया, एक साइड से सामान, एक साइड से लोग घुस गए, उसके बाद सब बाहर। अब गाड़ी का टाइम हो रहा है, छूटने का टाइम हो रहा है, फटाफट जल्दी सामान उतारा, फिर उनको बाहर ले गया है, फिर खाना खिलाया। बड़ी मुसीबत हो गई भाई रात, कभी नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ, ऐसी बार हुआ है इस बार। वापसी आना था ना, बस सही बात है। तो फ्रेंड वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम झांसी से वापस क्यों आ गए थे। 4 दिन से टिकट की ट्राई कर रहे थे और टिकट हमको कहीं से भी नहीं मिल पा रहे थे, तो लास्ट में मैंने टिकट वेटिंग टिकट निकाली टिकट काउंटर से और टीसी से मैंने बात कर ली, अगर आप हमको सीट दे दोगे कन्फर्म कर दोगे तो हम आ जाते हैं। उन्होंने बोला कि आप लोग आ जाओ और मैं आपको 3-4 सीट दे दूंगा। हम लोग वहां पहुंचे तो वहां टीटी ने हाथ खड़े कर दिए और हमको सीट नहीं दी वहां पे, इसलिए हम लोग ट्रेन में चढ़े, पूरा सामान चलाए और वापस हमको उतर के वहां से आना पड़ा। तो बस हम लोग फिर वहां से आ गए, अब देखते हैं ट्राई कर रहे हैं टिकट मिल जाएगा, कब होता है कब जाना है कुछ पता नहीं है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार करते रहें। अल्लाह हाफिज़।